फाइनली फाइनल पार्ट पर पहुंच चुके हैं डियर कॉमरेड के, पार्ट 15 है और हमने हर एक पार्ट पे रेट किया, तो आप जरूर चेकआउट करना बाकी पार्ट्स भी, और ये इसको आप क्लाइमेक्स भी कह सकते हो। क्या होता है, क्या होगा यहाँ पर? पार्ट 14 था वो ऐसे टाइम पे एंड हुआ था ना, हम भी एकदम ऐसे पूरी कमेटी बैठी है और अब क्या डिसीजन लेती है लिली क्या अगेंस्ट जाएगी या फिर सच बताएगी, स्टैंड लेगी, तो ये बहुत ही मतलब खतरनाक है। और भाई देखो इसके बाद हम मूवी साइज कर सकते हैं और किन पे हमें रिएक्शन करना शुरू करना चाहिए। yes. वीडियो को प्लीज फटाफट से लाइक कर दो, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वन ऑफ द बेस्ट मूवी कहूंगा, मजा आ गया देख के। रेडी 1 2 3 गो। मैं भी बहुत दुखी और परेशान हूँ क्योंकि मेरे ऊपर ये झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। ये है ना, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस को जल्दी निपटाया जाए। ये मेरे करियर का और सोसाइटी की नई जनरेशन का भी सवाल है। अच्छा। बल्कि मेरा तो ऐसा मानना है कि वी शुड प्ले इन अ हेल्दी एटमॉस्फेयर। अच्छा। मिस लिली, नवंबर 2017 में आपने अचानक प्रैक्टिस पर आना छोड़ दिया, इसका कारण बता सकती हैं? लिली उन्हें बताओ क्या हुआ था। बताओ बेटी, इसका एक्सीडेंट हुआ था, इन्हें बताओ लिली। एक कमीने, तू अपना मुंह मत रख। अरे सर, क्या इसके पीछे अपना मगज खराब कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, ये जेल का कीड़ा है, इसे जेल में ही रहने दीजिए। यहाँ नहीं खेल रहा हम, अभी तो इसका पैर ठीक है, अभी क्यों नहीं खेल रहा है? बता साइलेंट, हां सब क्या हो रहा है? लिली को बोलने दीजिए। एक्सीडेंट सर, सुना आप सुन, एक्सीडेंट बोल रहे हैं, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। सब साफ हो गया, इट इज ऑन रिकॉर्ड सर, क्लियर। लिली, तुम्हारे आज के डिसीजन पे ही तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है। सर, ही इज फोर्सिंग हर। मिस्टर बाबू, नॉट फेयर सर, वार्निंग दे रहा हूं, प्लीज बी क्वाइट। तो मिस लिली, आपने 17 मार्च को मिस्टर रमेश राव के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, क्या यह सही है? सर, दिस इज कंप्लीटली बेसलेस सर, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। और अगर ये सच है तो इसने पहले कंप्लेन क्यों नहीं की, आज क्यों कर रही है सर? लिली, यहां तक आके डरो मत, सब कुछ सच सच बता दो। ये कमीना, फिर से ये क्या हो रहा है सर? ये आप सबके सामने इसे कंप्लेन करने के लिए फोर्स कैसे कर सकता है? सर, इस लड़की का दिमागी संतुलन खो चुका है, डॉक्टर्स का भी यही कहना है। सर, इसे इलाज की जरूरत है। साबित होता है कि एक खतरनाक अपराधी है, ये किसी की भी जान ले सकता है। मिस्टर बॉबी, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, हम केस को डिसमिस करके मिस्टर राव को क्लीन चिट दे देंगे। ऐसे कैसे केस डिसमिस कर देंगे सर? प्लीज बी क्वाइट, बी क्वाइट। रेपिस्ट सर, ये मुझे यहाँ सबके सामने रेपिस्ट कह रहा है सर, आखिर यहाँ ये हो क्या रहा है? ए, अपने गटर जैसा मुंह बंद कर चुपचाप बैठ जा सर। इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है, उनमें से कितनी लड़कियों ने छोड़ दिया सर, पर आज तक डर के मारे किसी ने इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई है। सर एक मिनट सर, ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है और मैं बस चुपचाप। गिव अस अ मोमेंट प्लीज। क्या ये नहीं बोले? आप खुद बताइए, मिस्टर रमेश साहब ने आपको हैरेस किया था या नहीं? एक्सीडेंट से यस और नो? नो बोल देगी। नो बस। क्या भैया क्या? अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो आपने कंप्लेन क्यों की? अगर ये बात है तो हमें बॉबी के खिलाफ केस फाइल करना होगा, ये आप जानती हैं सर। क्या आपकी डॉटर मेंटली स्टेबल है? क्या उन्हें पता है कि वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है। आखिर ये कहना क्या चाहता है? पता नहीं, और मैं जिसके लिए लड़ रहा था वो ये लड़की नहीं है। अगर आप इसे नहीं जानते तो आपने कंप्लेंट क्यों दर्ज की थी? मैं इसे नहीं जानता सर। रमेश राव और मेरे बीच में एक ज्यादती दुश्मनी है। एक बार किसी वजह से मेरा और उसका झगड़ा हो गया था, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता और गुस्से में मैंने उस पर हाथ उठा दिया, पर मेरा गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। मैं उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए मैंने उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डाल दिया सर। लाइफ लॉन्ग जेल चला जाएगा यार। वैसे लड़ाई झगड़ा करना मेरी आदत है सर, मैंने हर बार खुद को बदलने की कोशिश की लेकिन नहीं बदल सका, इसलिए मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि मैं कभी खुद को बदल नहीं पाऊंगा। इन सब में लिली को क्यों इन्वॉल्व किया? ये मेरे पड़ोसी की दूर की रिश्तेदार है सर,
तीन साल पहले मैंने किसी शादी में इसे देखा था। किसी ने बताया ये क्रिकेट खेलती है, इसलिए रमेश राव को फंसाने के लिए मैंने इसका नाम ले लिया। मैं नहीं जानता था कि ये इतना बड़ा इशू बन जाएगा। इसका इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है सर। अभी भी उसकी इमेज क्लीन करिए, देखा तूने? मेरी है। बहुत हुआ सर। सर मैं और मेरी पूरी फैमिली इस कंप्लेन बाजी के चक्कर में बहुत परेशान हुए हैं। अब छोड़ दीजिए मुझे। नो मोर डिस्कशन प्लीज। वी आर वेरी सॉरी। हम समझ रहे हैं आप पर क्या बीत रही है। प्लीज टेक योर सीट। अभी भी इसने सारी वो अपने आपकी वजह से एक लड़की का करियर और एक जेंटलमैन की रेपुटेशन खराब हुई है। आपकी हरकतें समाज के लिए खतरा है, ये माफी लायक नहीं है। मिस्टर श्रीकांत प्लीज टेक हिम इनटू द कस्टडी। सर मैंने तो पहले ही कहा था कि समाज में ऐसे दरिंदों की कोई जगह नहीं है। यादव ले जाके फेंक दे इसे जेल में। बॉबी, बॉबी, प्लीज, बॉबी, बॉबी। अब से हमारे रास्ते अलग हैं। बॉबी, बॉबी, जॉब कभी नहीं मिल सकते। क्या था? क्या था? बॉबी, प्लीज, बॉबी मुझे छोड़ के मत जा, प्लीज, बॉबी। बॉबी, प्लीज। क्या करेक्टर था ये? इट्स ओके बेटा। मुझे छोड़ दो। मिस्टर रमेश राव प्लीज बैठ जाइए। हम कमेटी की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। नो 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 प्लीज सर आप मुझसे माफी मत मांगिए। आई नीड एन अपॉलॉजी फ्रॉम हर सर। मैं बताता हूं सर, इस तरह की लड़कियां जिनके पास ना तो टैलेंट है ना ही फोकस है, वो सब इसी तरह से स्पोर्ट्स में ऊपर आना चाहती हैं सर। इन लोगों की वजह से जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो भी कहीं क्या बोला तू? क्या बोला मुझे? कुछ नहीं। क्या कर रही हो? अब बोल दे। लेकिन अब बात नहीं करेंगे ना इसकी। अब तो बोल दूँगी मेंटली स्टेबल नहीं है। लड़कियों की जिंदगी खराब करना चाहता है वो। शांत हो जाओ बड़ा। अब बोला ना पर अब वो नहीं है ना। क्रिकेट मेरी जिंदगी थी सर, मेरा सपना था। इस कमीने ने उस सपने को कुचल दिया, चकनाचूर कर दिया सर। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती। ये वॉशरूम में हमारे पीछे आता था और हमारे साथ बहुत गंदी हरकतें करता था। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए सर। साउथ जोन क्रिकेट प्लेयर मिस लिली के साथ सेलेक्टर रमेश राव के गलत व्यवहार के लिए बोर्ड मिस लिली से माफी मांगता है। मिस लिली जैसी होनहार खिलाड़ी को बोर्ड एक एसेट मानता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो नेशनल टीम सिलेक्शन की तैयारी करे। बोर्ड मिस लिली के फ्रेंड बॉबी को भी धन्यवाद देता है जिन्होंने इस मामले को बोर्ड के सामने रखा। बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि सेलेक्टर रमेश राव को इस पद से डिसमिस किया जाता है और उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है। एक सवाल, इतने दिनों तक आपने इस बात को छुपा कर क्यों रखा? डर, हर लड़की को ये डर होता है कि अगर वो कंप्लेन करेगी तो क्या होगा। हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। उस समय हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला और ना ही किसी ने हम पर ध्यान दिया, इसलिए हम डर गए। पर हम जैसों के डर को हिम्मत में बदलने के लिए एक खास इंसान की जरूरत होती है, जो निडर हो। कॉम्रेड। आसान भाषा में कहूं तो कॉम्रेड हर लड़की के जीवन में होना चाहिए। एक कॉम्रेड। एक कॉम्रेड। कॉम्रेड कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं। मेरे जीवन में भी एक कॉम्रेड है बॉबी। मैंने सिर्फ एक बार उसे कॉम्रेड कहा,
और उसने हमेशा मेरा साथ दिया। हर पल वो मेरे साथ रहा, खुद टूटकर भी उसने मुझे सहारा दिया। अंत में उसने मुझे लड़ना सिखा ही दिया। आज की ये जीत उसी की है। मिस लिली, इस वक्त आपका कॉमरेड कहाँ है? आप दोबारा क्रिकेट खेलना कब शुरू करेंगी? मिस लिली, मिस लिली, अकेला छोड़ दीजिए। मिस लिली, होगा ये, वेट कर रहा होगा। मैं इसे नहीं जानता। हम तो बस एक दो बार मिले। मैं इसे नहीं जानता। क्या कह रहे थे तुम? पड़ोसी की रिश्तेदार है। ये रमेश कितनी प्यारी है। को अरेस्ट कर लिया गया। मैंने उसे मारा, नोच डाला साले को। सबने मुझे रोकने की कोशिश की बॉबी, लेकिन मैंने मारा। उसके चेहरे से तो हवाइयां उड़ गई थी, पर मैंने सबको सच बता ही दिया। मैंने सब कुछ बता दिया। तुम होते वहां ना तो तुम देखते मैंने क्या किया। मैं वही था, मैंने देखा अपनी लिली को। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल मत छूना। क्या कह रहे थे? हमारे रास्ते अलग हैं, जो दोबारा कभी नहीं मिल सकते। टेक इट बैक, इसे वापस लो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। मैं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। चलो वापस ले ली, वापस ले ली, वापस ले ली। ओके, हैप्पी एंडिंग, फाइनली हैप्पी एंडिंग। ये बहुत अच्छा था। ये कहानी सिर्फ लिली की नहीं है, उन सारी लड़कियों की है जो ऐसे हालात से गुजरी हैं। उन्होंने कभी ना कभी इस तरह की सिचुएशन का सामना किया है। उनमें से कुछ तो उनका मुकाबला कर पाती हैं, पर कुछ उनमें से बिना लड़े डर की वजह से हार मान लेती हैं, और इसकी वजह से उनकी जिंदगी तक बर्बाद हो जाती है। बड़े दुख की बात है। हमेशा ये बात याद रखें, ये हमारे बच्चों की गलती नहीं है, लड़कियों की भी गलती नहीं है। उन्हें इस बात से अकेले में डरा कर चुप मत कराइए। सफलता पाने के लिए मन से डर कर निकलना बेहद जरूरी है। आपको अपनों के लिए उनका कॉमरेड बनना होगा। सबका ख्याल रखे टीम डियर कॉमरेड। डियर कॉमरेड बहुत बहुत बढ़िया थी। बहुत दिल छूने वाली मूवी है यार। हाँ। सच में बहुत हर्ट टचिंग स्टोरी तो थी, लेकिन जो दिखाया ना कि स्टैंड लेना चाहिए एक मैसेज के साथ। हाँ। और एक कॉमरेड, कॉमरेड होता है ना, इसलिए देखो वो कहते हैं ना, आप सपोर्ट सिस्टम बनो किसी का। हाँ। अपनी जिंदगी में एक इस मूवी से अगर कुछ सीखा तो ये जरूर सीखना कि आप चाहे किसी की भी मदद कर सको, करना। हाँ। जरूर, जब भी आप कैपेबल हो, जब भी आपको। हाँ। लगे आप कर सकते हो तो बेझिझक। हाँ। मदद करना और स्टैंड लो हमेशा, जहां पर भी आपको कुछ गलत लगता है स्टैंड लो। गलत है। हाँ। क्योंकि कई बार वो गलत इतना गलत हो जाता है कि वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर हम सोचते हैं काश हमने वहीं पर वो चीज रोकी होती। ये चीज हो जाती है। और अगर लग रहा है कि हाँ पहले उसमें कुछ है, वहीं पे उसको फुल स्टॉप लगा था कि आगे वो हिम्मत नहीं। ये वाली बात तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो गर्ल्स को लेकर है कि लड़कियों में ना डर होता है, समाज को लेकर, सोसाइटी क्या बोलेगी। सबसे पहले होता है पेरेंट्स को बताऊंगी ना, सबसे पहले डर खुद मेंटली टॉर्चर इतना हो जाता है ना कि वो सोचता है कि क्योंकि फिर से वही क्वेश्चन अभी देखा था ना, जैसे वो वहां पे गए तो उससे कितने क्वेश्चन किए वापस से रिपीटेडली। लेकिन ऐसी मूवीज बनती है ना तो एक करेज मिलता है। हाँ। करेज मिलता है। नो डाउट कानूनी कार्रवाई बहुत टाइम लेती है, लेकिन एक जो जस्टिस है ना और जो न्याय मिलता है। हाँ। वो खुशी अलग होती है, मतलब एक सेटिस्फैक्शन मिलती है उससे। नो डाउट वो तकलीफ दूर नहीं हो सकती, लेकिन आपको जब न्याय मिलता है ना तो एटलीस्ट तो वो भी एक सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ। हकदार हो आप उस चीज। हाँ। के। और कभी भी गलत किसी के साथ होता है, प्लीज स्टैंड लो। आपके साथ होता है उसके लिए भी स्टैंड लो, और समाज क्या कहता है उस चीज को साइड में रखो। सबसे पहले अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपकी खुद की, कि आप अपने लिए स्टैंड लेते हो। ये चीज है। और इस मूवी में यार नो डाउट रश्मिका मंदाना, विजय ने, हर एक ने बहुत ही बेखूबी रोल निभाया है अपने अपने कैरेक्टर का, चाहे नेगेटिव कैरेक्टर हो चाहे इसमें हीरो हीरोइन का कैरेक्टर हो। और ये मूवी दिल छूने वाली है। और ये मूवी ऐसी है कि आप जब भी बोर फील हो रहे हो या फिर रिलैक्स होना चाहते हो, आप ये मूवी चला के आप पूरी देख सकते हो यार। एंड हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर एंड द स्क्रिप्ट राइटर। और जो इसमें जो वो ट्यून बजती थी बहुत ही प्यारी यार। एंड आई एम श्योर ये मूवी बहुत सारे लोगों के दिल के करीब है। और ऐसे मूवीज ना अलग ही होती हैं सच में, मतलब दिल छू जाती हैं, जिसमें कॉलेज रोमांस भी है, मार धाड़ भी है, और ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं, प्यार का खोना, ब्रेकअप एंड फ्रेंड, फिर मिस हैपनिंग्स होना, मतलब नेगेटिविटी आना लाइफ में, फिर उसको कैसे टैकल करा, खुद के लिए स्टैंड भी लेना, बी अ कॉमरेड। डियर गाइज
और गर्ल्स बी ए कॉमरेड इन एनीवन्स लाइफ, और सबसे पहले खुद के लिए भी कॉमरेड बने, खुद के लिए। हाँ बाकी विद दैट नोट मिलते हैं एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।